हेलो स्टूडेंट वेलकम बैक अगेन तो आज के इस वीडियो में हम लोग 20 मार्च के इकोनॉमिक्स के पेपर का जल्दी से हम लोग आंसर की देख लेते हैं सो so दैट आप अपना आंसर मिला लें कि आपका कितना सही हुआ और इसमें हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे सो so दैट आपका इसमें कम टाइम वेस्ट हो और आप क्योंकि अभी आपका एग्जाम चल रहा है इसलिए आप उन एग्जाम के लिए जल्दी से आंसर मिलाइए और उस एग्जाम के लिए पढ़ना स्टार्ट कीजिए तो जल्दी से चलिए आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर वन तो क्वेश्चन नंबर वन का आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर वन आपको पूछ रहा है विच प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज रिलेटेड टू द चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन टू हाउ टू प्रोड्यूस ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर टू पूछ रहा है कैपेसिटी ऑफ दिट टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट इज इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यूटिलिटी यूटिलिटी इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर थ्री आपसे पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर थ्री आपसे पूछ रहा है हु प्रोपोज द ऑर्डिनल ऑफ द यूटिलिटी एनालिसिस तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हिक्स एंड एलन हिक्स एंड एलन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू फोर क्वेश्चन नंबर फोर आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर आपको पूछ रहा है कि ये किस चीज़ का फिगर है क्वेश्चन नंबर फोर पूछ रहा है आपको कि ये किस चीज़ का फिगर है ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर आपको पूछ रहा है कि ये विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर ये किसका फिगर है तो ये तो बहुत ही सिंपल है आपने अगर एक बार भी ये फिगर देखा होगा तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड ये जो फिगर है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का फिगर है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग फाइव पे क्वेश्चन नंबर फाइव आपसे क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर फाइव आपको पूछ रहा है कि द डिमांड फॉर विच टाइप ऑफ कमोडिटी डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इन्फीरियर गुड्स ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट इन्फीरियर गुड्स ठीक है ये सब को हम इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहे क्योंकि अभी आपको ज्यादा इसमें टाइम ना चला जाए खाली आप आंसर मिला के जल्दी से चेक कर लीजिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर सिक्स इज आस्किंग फॉर यू आस्किंग द लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड टू लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन किससे रिलेटेड है तो ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट रिटर्न टू स्केल इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन द प्रोडक्शन फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज यहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन कौन सा ऑप्शन एक्सप्रेस कर रहा है तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री टू एक्स इक्वल टू एफ ए बी सी डी ई तो ये तो आप जानते ही हुए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट इज आस्किंग फॉर क्वेश्चन नंबर एट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ

एफ होता है तो इसको जब इधर लाइएगा तो ये क्या हो जाएगा टीवीसी टीसी माइनस टी एफ सी तो करेट टीवी टू टी सी माइनस टी एफ सी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इलेवन क्वेश्चन नंबर इलेवन इज क्वेश्चन नंबर एलेवन विच कॉस्ट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द आउटपुट तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व पे क्वेश्चन नंबर टूव आपको क्या पूछ रहा है द शेप ऑफ द एवरेज कॉस्ट कर्व तो एवरेज कॉस्ट कर्व का क्या होता है एवरेज कॉस्ट का कर्व कैसा होता है शेप क्या होता है उसका तो इसका शेप जो होता है यू शेप्ड होता है हमेशा याद रखिए एवरेज कॉस्ट का कर्व यू शेप्ड होता है तो ऑप्शन वन इज द करेक्ट यू शेप्ड कर्व नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन पे क्वेश्चन नंबर थर्टीन आपको क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर थर्टीन इन विच मार्केट ए आर इक्वल टू एम आर तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि टू एम आर जो होता है perfect competition में बराबर होता है ठीक है ऑप्शन क्या पूछ रहा है आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ मार्केट मार्केट डिफरेंशिएटेड गुड आर प्रोड्यूस्ड किस मार्केट में डिफरेंशिएटेड गुड बनता है ठीक है तो आपका इसका करेक्ट ऑप्शन तो होगा मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में डिफ्रेंशिएटेड गुड बनता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन पे क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन आपको क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन पूछ रहा है आपको द बेसिक कंडीशन ऑफ फर्म इक्विलिब्रियम इज व्हाट इज द बेसिक कंडीशन फॉर फर्म तो द बेसिक कंडीशन फॉर फर्म इक्विलिब्रियम इज एम सी इक्वल टू एम आर क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन एम सी इक्वल टू एम आर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन क्या पूछ रहा है आपको क्वेश्चन नंबर द सप्लाई क्रिएट इज ऑन द सप्लाई क्रिएट इज ऑन डिमांड ये स्टेटमेंट किसने कहा था ये पूछ रहा है कि हु सेड दिस स्टेटमेंट तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका जेबी से जे से इज द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आता क्वेश्चन नंबर सेवनटीन पे क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन क्या हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन है क्वेश्चन नंबर इज वाट इज द इफेक्ट ऑफ लमसम टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड किस पे मतलब लमसम टैक्स का क्या इफेक्ट होता है सप्लाई ऑफ गुड पे तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेवनटीन का फोर सप्लाई रिमेंस अनचेंज जो सप्लाई होता है रिमेंस अनचेंज रहेगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर एटीन पे क्वेश्चन नंबर एटीन क्या पूछ रहा है आपको मार्केट प्राइस इज डिफाइंड एज तो इस चारों में कौन सा होता है मार्केट प्राइस तो इसको मार्केट प्राइस इज डिफाइंड एज शॉर्ट रन मार्केट करेक्ट ऑप्शन इज द शॉर्ट रन मार्केट ऑप्शन नंबर वन नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन पे क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन बोल रहा है इफ देर इज एक्सेस ऑफ डिमांड अगर डिमांड एक्सेस होगा तो प्राइस क्या होगा तो इसका करेक्ट इसका बहुत ही सिंपल आंसर है प्राइस क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा बढ़ जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्या पूछ रहा है आपको क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पूछ रहा है आपको प्राइस ऑफ गुड इज डिटरमाइंड एट अ पॉइंट वेयर प्राइस ऑफ गुड किस पॉइंट पे डिटरमाइन होता है ठीक है तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री डिमांड ऑफ कॉमोडिटी एंड द सप्लाई ऑफ कॉमोडिटी आर इक्वल तो प्राइस ऑफ गुड तब डिटरमाइंड होगा जब कमोडिटी का डिमांड और सप्लाई जो होगा बराबर होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन पे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्या पूछ रहा है आपको क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी आपको पूछ रहा है कि हु इज द राइटर ऑफ द बुक हु इज द राइटर ऑफ द बुक द जेनरी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी इस बुक को किसने लिखा था तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका जे एम किन्स ऑप्शन थ्री इज करेक्ट जे एम किन्स इज द करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू पर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू आपको क्या पूछ रहा है वट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द जी एन पी एंड द एन एन पी तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि एन एन पी इज इक्वल टू जी एन पी माइनस डिप्रिसिएशन ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर

क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव आपको पूछ रहा है वीट इज एन इंटरमीडिएट गुड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वीच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स तो पूछ रहा है कि वीट किस गुड्स को बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं तो आप जानते हैं कि ब्रेड बनाने में यूज होता है बिस्किट बनाने में यूज होता है चपाती बनाने में यूज होता है तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फोर ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है नेक्स्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स पे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स आपको क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स द फंक्शन ऑफ मनी इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मनी मनी का फंक्शन क्या है तो आप जानते हैं मनी का फंक्शन मीडियम ऑफ एक्सचेंज है स्टोर ऑफ वैल्यू भी है और वैल्यू का मेजर भी है तो इस ट्वेंटी का भी आपका ऑप्शन फोर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पे क्वेश्चन नंबर सेवन आपको क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन हू सेड मनी इज वाट मनी डज तो मनी इज वाट मनी डज इस किसने कहा था तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थ्री होटल विदर्स इज द करेक्ट

तो क्वेश्चन नंबर थर्टी वन आपसे क्या पूछ रहा है रिसेशन इज स्टेट वेन इन द इकोनॉमी तो रिसेशन कब होता है तो रिसेशन तब होता है जब एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शन दोनों ही कम होगा ठीक है तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्शन लेवल फॉल्स एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्शन लेवल फॉल्स ऑप्शन फोर इज द करेक्ट नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर थर्टी पे क्वेश्चन नंबर थर्टी आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर थर्टी आपसे पूछ रहा है कि इफ द वैल्यू ऑफ एम पी एस इन इकोनॉमी इज पॉइंट टू देन वाट विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर तो ये तो आपको पहले ही बता देते हैं कि वैल्यू ऑफ़ मल्टीप्लायर जो होता है वो मल्टीप्लायर इक्वल टू वन बाई एम पी एस होता है ठीक है तो इसमें अगर फॉर्मूला बैठाइएगा तो ये क्या हो जाएगा वन बाई पॉइंट टू ये वन बाई पॉइंट टू तो ये पॉइंट उड़ेगा तो ऊपर टेन आएगा और ये टू से कितना बार में कटेगा फाइव बार में तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फाइव तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन टू फाइव इज द करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री पे क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री आपको क्या पूछ रहा है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का करेक्ट फॉर्मूला क्या है तो वन बाई एम पी एस भी सही है और ये वन बाई वन बाई वन माइनस एम पी सी सही है तो बोथ वन टू इज करेक्ट नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर पे क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर आपसे क्या पूछ रहा है वीट इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर फॉर इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट का डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या है तो क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर करेक्ट मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल सही है इंटरेस्ट रेट सही है तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बोथ एंड टू इज द करेक्टनेस क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव विच ऑफ विच ऑफ द फॉलो इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इंडायरेक्ट टैक्स का क्या एग्जाम्प है तो इन डायरेक्ट टैक्स जो सेल टैक्स होता है वो भी इंड टैक्स है एक्साइज ड्यूटी भी इनडायरेक्ट टैक्स है तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन थ्री बोथ वन एंड टू इज करेक्ट नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स पे क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स आपको क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स आपको पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड द रिवेन्यू रिसिप्ट क्या डिफरेंस होता है तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन टू रेवेन्यू रेवेन्यू डेफिसिट इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन पे क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन पूछ रहा है कि द फॉर एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय फॉरन एक्सचेंज रेट क्या कौन डिटरमाइन करता है तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरन एक्सचेंज मार्केट ठीक है तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरन एक्सचेंज मार्केट ऑप्शन थ्री इज करेक्ट नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी एट पर क्वेश्चन नंबर थर्टी एट आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर थर्टी एट द बैलेंस ऑफ ट्रेड मीन्स मीन द बैलेंस ऑफ ट्रेड का क्या मतलब होता है तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का सिंपल मीनिंग होता है ऑप्शन नंबर वन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज द करेक्ट आंसर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द गुड इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन इज आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज अ कंपोनेंट ऑफ करेंट अमाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट तो इसमें से कौन सा जो है एक कंपोनेंट है करंट अमाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट का तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज द करेक्ट आंसर ठीक है अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी पे क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर फोर्टी है क्वेश्चन नंबर फोर्टी पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलिंग इज द इकोनॉमिक रीजन ऑफ द इंबैलेंस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट कौन सा इकोनॉमिक रीजन है जो इंबैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट जैसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू बिजनेस साइकिल इज द करेक्ट आंसर ठीक है तो इसी के साथ ये आपका फोर्टी एमसी क्यू कम्प्लीट होता है आज का तो इसमें से जल्दी से आप मिला लीजिए कि आपका कौन सा आंसर कितना आपका मार्क्स आया आप कमेंट में बता सकते हैं आप हमको कि आपका कितना मार्क्स आया है ठीक है तो इसी ज, और जल्दी से आप नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ाई कीजिए ठीक है टिल देन सी इन यू इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू हैव अ नाइस डे